परिणीत को फंसाया अपने जाल में नीति ने। परिणीत की हुई सरेआम बेइज्जती। राजीव नहीं कर पा रहा है परिणीत को सपोर्ट। कलर टीवी के शो परिणीत के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि परिणीत के साथ बहुत ही जालसाजी का काम किया है नीति ने। पहले तो उसने खुद ही उसको घर की चाबी दिलवाई और बाद में अब उससे चाबियां छीन भी ली। इस बार फिर से नीति ने वापस से जन्माष्टमी की तैयारियों में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पहले तेल गिराने का काम, फिर बाद में लड्डू गोपाल के झूला को तोड़ने का काम। अब इसका सारा इल्जाम परिणीत के ऊपर आया है क्योंकि सब जिम्मेदारियां परिणीत को दी गई थी, साथ ही साथ घर की चाबियां भी। अब ये चाबियां बेबे ने छीन कर नीति के हाथ में दे दी है और यहाँ पर परिणीत की सरेआम बेइज्जती हुई है और सभी घर वाले चुप हैं क्योंकि इस वक्त उनकी आंखों से जो देख रहे हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ परिणीत की लापरवाही की वजह से हुआ है। इस वक्त राजीव भी वहीं पर खड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अब चाबियां छीनने के बाद नीति ऐसा कुछ करने वाली है कि जन्माष्टमी के दिन 12 बजने के पहले ही परिणीत के घर से विदाई हो जाएगी। आप इस शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।